अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, मेरे सारे व्यूअर्स को मैं सलाम करता हूँ और अपने लॉस्ट गेम ब्लॉग्स चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि आज जो आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ। तो यार ये जो है ना इंस्टाग्राम वाले या फेसबुक वाले, इनको एड्स ऐसे चलाते हैं यार, बंदे को वही एड्स आते हैं जिस तरह की चीज़ें उसको खरीद रहा होता है या पसंद होती हैं। इनका दराज से भी ताल्लुक होता है, ये हमारी सारा जो एक्टिविटी है उसको जज कर रहे होते हैं यार, क्या बाय कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो मैं काफ़ी दिनों से यार मैंने इस तरह की मैंने ग्रूमिंग जो हेयर ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि हेयर स्प्रे मंगवाई थी मैंने दाढ़ी मूछ से। तो आज इसी तरह मैंने मेरिग्मा से, इसी तरह मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ भी मेरे पास ऐड आ गया। काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रहा था यार कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि मैं बालों को ना थोड़ा सा स्टैंड करना चाह रहा था यार, कि स्टाइल इनका मैं फिक्स नहीं हो रहा। आज क्या पता है ठंड, हेलमेट पहन के हर जगह जाना पड़ता है, बाल ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पर यार जाके मसला हो जाता है यार, बुरे लगते हैं बाल। और जब तक आपको पता है बालों में शाइन ना हो पता चलता है वरना मुंह उठा के आ गया नायाब ही नहीं है। तो यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाल आपके प्रॉपर शाइन थोड़ी सी आ रही है तो पता चलता है कि फ्रेश फ्रेश लगता है बंदा। तो यार मेरे बाल थोड़े से मैं चाह रहा था खड़े हो, मैं बहुत ही शरीफ लगता हूँ, मतलब थोड़े से ऐसे यार बिल्कुल, तो यार बंदा बहुत ही डिसेंट सारा लगता है। तो मैं थोड़ा सा और डिसेंट लगना चाह रहा था, मैंने कहा थोड़े से बाल स्टैंड कराऊँ, लेकिन वो हो ही नहीं रहे थे मेरे, जब ऐसे करूँ ना ये देखें आप तो नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे, इनमें जान ही नहीं। मैंने कहा थोड़ी जान डालने के लिए कोई प्रोडक्ट मिले तो जेल, तो मैंने कहा कि यार वो खराब करती है वालों को। तो यार ये एक चीज़ मिली है तो मैं स्क्रॉल करा तो वहाँ पे आ गया हेयर मैट के। तो ये कंपनी जो है मेरिग्मा है, सील इसकी खोल दी है और अंदर से हमारी प्रोडक्ट निकल आई है। और साथ कार्ड भी है यार, गिफ्ट कार्ड, अच्छा 10% ऑफ हो गए। अब सब जाके देख लेना यार, ये देख लो आपने डिस्काउंट कोड ये देना है, आपको डिस्काउंट कोड इनकी वेबसाइट पे जाओ मिल जाएगा सबके लिए। चलो जी अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है इसको हम देखते हैं। अच्छा प्राइस मैंने आपको बताई नहीं यार, ये 920 की पड़ी है हेयर मैट के, टोटल 12 आने तक मुझे 920 की पड़ी है। ये डब्बी है अंदर, वाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो जी ये है जी हमारी हेयर मैट के, और डब्बी मुझे यार सही बंद भी नहीं हुई और रफ सारी लग रही है यार, और स्टिकर भी इसका सही लगा नहीं हुआ। तो देखिए तो अंदर से बिल्कुल वाइट क्रीमी है और ये थोड़ी सी सख्त है, ठीक है दबाने से दब नहीं रही। तो अभी यार अभी तो मैं लगा नहीं सकता कि इंशाल्लाह सुबह जब तैयार होके जाएंगे आपको लगा के बताऊंगा कि और पूरा दिन इसका इफेक्ट क्या होता है। ओके जी तो मिलते हैं सुबह। सो गाइज इट्स मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सो एज यू गोइंग टू सी माय हेयर वेट एंड सो आई एम गोइंग टू ड्राई विद माय टॉवल। ठीक अच्छा तो यार सबसे पहले जो आपने काम करना है वो अपनी डब्बी को खोलना है, ठीक है उसके बाद आपने हैंड पे ले लेनी अपनी डिसेंट अमाउंट जो है अपनी पेस्ट की इसकी। तो उसके बाद आपने यार ये है साबुन की तरह, वैसे खुशबू इसमें बिल्कुल डव साबुन वाली आ रही है। तो यार आपने इसको अपने हैंड्स के रब करना है उस वक्त तक जब तक ये आपके हैंड से डिसअपीयर नहीं हो जाती, जब तक आपके हैंड से डिसअपीयर, देखें अभी मेरे हैंड्स पे लगी हुई है मुझे रब करना है इसको जब तक ये डिसअपीयर ना हो जाए, ठीक है। इसको पानी नहीं लगाऊँ शायद झाग भी मान जाए ये तो। अच्छा जी तो यार ये डिसअपीयर तो होने का नाम नहीं ले रही, बस जितनी थोड़ी सी होगी है तो बहुत। आप इसको अपने बालों के बीच से गुजार दिया आई डोंट फील लाइक इट्स एनीथिंग स्पेशल, बट देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या इसका रिजल्ट होता है अभी तो। ओके जी तो बड़ी मेहनत के बाद ये हेयर स्टाइल बना, ठीक है। तो यार बस यही इसका फ़ायदा है कि बाल मेरे थोड़े हैवी हो गए और ये ख़राब होने वाले नहीं आप, और मैं इनके जब चाहूँ मैं स्टाइल चेंज भी कर सकता हूँ। रिजल्ट यही होता है कि आप लगा दी एक बार अप्लाई कर दी तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसका ये है कि यार मैं जब भी चाहूँ अपनी मर्जी से उसको बाथरूम में जाके अरेंज कर सकता हूँ, सेटिंग उनकी कर सकता हूँ, तो ये बड़ा इसका फिट फीचर है। तो सही है लेकिन अब खुशबू थोड़ी बहुत साबुन की आती रहेगी वैसे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी अल्लाह हाफिज़।